टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मल्टी टैक्स। जीएसटी में जैसे अभी तक हमने इनवॉइसिंग की थी तो उसमें हम एक ही रेट ऑफ परसेंटेज को लेके काम कर रहे थे। अभी अगर आप एक पार्टी से डील कर रहे हैं, चाहे वो परचेज है चाहे वो सेल, तो उसमें अगर आपको अलग अलग आइटम्स का अलग अलग रेट दिया हो तो उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी टैक्स। अभी तक हमने जो किया था दैट वॉज अ कॉमन रेट ऑफ टैक्स, तो उसके लिए हमें एक फीचर के गो थ्रू होना पड़ेगा, दैट इज मैंने पहले अपनी जीएसटी ओपन F1 से, यहां से स्टूडेंट मुझे एक चीज और आपको बतानी है। जिस दिन मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करती हूँ ना, स्टूडेंट्स एक्टिव सभी होते हैं, लेकिन जिस दिन मैं लिंक शेयर नहीं करती तो उस दिन एक्टिव नहीं होते, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहा करो। कई बार इस टाइम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक फिक्स रहता है सभी को, थोड़ा टाइम कर देते हैं वो। मैं आपको अलावा किसी और जरूर आपको टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में दिया करूंगा। आपने 12:30 पे प्रेजेंट होना ही है। अब हम आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो जुलाई है, अप्रैल सब तक हमारे पास तो आप रहा करो। एक साथ में 11 बजे भी रिकॉर्ड करती हूँ तो उसमें भी आप एंटर कर सकते हैं। तो उसमें मैं दूसरा टॉपिक लेके चल रही हूँ जो आपको व्हाट्सएप उस पे यूट्यूब पे आपको लिंक मिल जाता है जिसका, तो दो लेक्चर्स आपके बनाए जाते हैं टैली का और अकाउंट्स का। देखिए मल्टी टैक्स में आपने क्या करना है, मैंने जीएसटी वाली कंपनी ओपन की यहाँ से, ओके। एक बार फाइनेंशियल ईयर देख लेते हैं इसका, 1/4/19 इट्स 20 to 21। तो सबसे पहले सपोज हम अपने इस वाउचर में जाते हैं, तो अभी हम करेंगे लोकल परचेज विद मल्टी रेट, ओके। मल्टी टैक्स लगाना सीखना है। अब जो ये मल्टी टैक्स है वो आप सभी पे लगा सकते हैं, लोकल परचेज, लोकल सेल, इंटरस्टेट परचेज, इंटरस्टेट सेल। तरीका वही है कैलकुलेट करने का जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ परसेंटेज विल बी डिफरेंट दिस टाइम। तो F9 प्रेस किया, अभी हमने इधर से F9 प्रेस किया परचेज वाउचर और F12 पे गए कॉन्फ़िगरेशन पे, जहां पे आपने जो थर्ड फीचर है दैट इज यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको आपने नोट कर देना है। क्यों, अब तक हम लोग कॉमन लेजर यूज करके चल रहे थे, और यानी कि जितने भी आइटम रेट ऑफ परसेंटेज है, तो इसको आप क्या करेंगे कर देंगे और सेव कर देंगे। और यहां से आपने लिया बिल नंबर, पार्टी ने परचेज करना है तो क्रेडिटर। सपोज हम एक लोकल पार्टी लेके चल रहे हैं, लेट्स चेक, यस पार्टी हरियाणा की है, ओके। अब आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे ना परचेज लेजर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने उसका कॉमन जो पार्ट है वो हटा दिया हुआ है। अब सीधा आइटम ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम डिफरेंट आइटम उठाते हैं। एक हम उठा लेते हैं कंप्यूटर, ये हमारा कौन से रेट वाला था, 12 वाला ना, मेंशन कर देते हैं, हमें आइडेंटिफाई रहेगा कि कौन से परसेंटेज वाली है। यस ये 12 वाली है, तो यहाँ से मैं इसके आगे लिख देती हूँ। अब देखो जैसे मैंने कंप्यूटर पे एंटर किया, सॉरी कंट्रोल एंटर किया, और यहाँ से जब एंड मेरे को इसके आगे परसेंटेज देना है, तो जब एंड की प्रेस करेंगे तो ये जो कर्सर है ये बिल्कुल लास्ट में आ जाता है। तो यहाँ आपने एट द रेट जैसे दे दिया 12%, ओके। तो ये 12% वाली आइटम है, इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। और जैसे 10 पीसीस अभी हम परचेज करें 25,000, अब करेंगे इसका जो रेट ऑफ परसेंटेज का परचेज है वो अलग से एलोकेट कर देंगे यहाँ पे, ओके। तो भी 50,000 पे आया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे आपने प्रेस किया, हमारे पास परचेज लोकल बनी हुई है, यस बनी हुई है। तो
तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको दूसरी आइटम ले लेते हैं 18% वाली। अभी ये हमारा वैसे नेगेटिव में चल रहा है, परचेज करके हमारा ये ठीक हो जाएगा स्टॉक। तो मैं 25 ले लेती हूँ आइटम्स। ओके, अब क्या करना है आपने, ये 18% वाली थी, इसके ऊपर आप एंटर प्रेस करेंगी तो यहाँ पे आपने परचेज 18% लोकल बनाना है। कंट्रोल एंटर से एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारी लोकल है या एंटर है। यस, ये हमारी लोकल परचेज है। इसको नाम दे देते हैं 18% लोकल और इसको सेव किया। ठीक है, अभी हमने क्या किया, कॉमन लेजर हटाया हुआ था और मल्टी टैक्स हम कर रहे हैं एंटरप्राइज करके। यहाँ पे परचेज 12% हमारे पास एक लोकल आ गया और यहाँ पे हमारे पास 18% लोकल आ गया। ठीक है, दोनों अलग अलग आइटम्स का अलग अलग रेट हमने एलोकेट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर टैक्स लगाना है। अब लोकल है तो 12 के लिए हमारा CGST एंड SGST 6% और ऐसे ही जो 18 है उसके लिए CGST 9 एंड SGST 9%। अब आप बड़े ध्यान से देखें कि जो 2,50,000 वाली आइटम है उसके ऊपर 12% यानी 6% आएगा, इतना इसका 6% ये 15 15, और 8,75,000 का 18% यानी कि इसका भी 9% और इसका भी 9% यही आएगा, जिसको आप कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपको अमाउंट में इसको क्लियर करना है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और यहां से 8,75,000 मल्टीप्लाई बाय 9% किया, वही बना 78750। तो ये हमारा क्रॉस चेक हो गया। तो अभी हमने क्या सीखा, लोकल परचेज विद मल्टी रेट, मल्टी आइटम्स अगर आप दे रहे हैं तो उसके ऊपर आप ऐसे इसमें टैक्स लगा रहे हैं। ओके, अब हम इसको सेव कर लेते हैं बिल को। तो ये ऑल्ट ए ऑल्ट एफ वन से हमारा टैक्स एनालिसिस खुल गया अलग अलग आइटम्स का। ये 12% वाली का आ गया और ये 18% वाली का आ गया। ओके, तो ये टैक्स हम ऐसे चेक कर सकते हैं और कंट्रोल ए से हम इस बिल को सेव कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही लोकल परचेज विद मल्टी रेट था, अब एक हम कर लेते हैं लोकल सेल विद मल्टी रेट। ठीक है, तो फिर से मैं F9 कर रही हूँ, सॉरी F8 कर रहे हैं सेल्स, क्योंकि मैंने ना एक वाउचर बनाया था इसीलिए इसमें मुझे दो दिखा रहा है F8 से, तो मैंने तो सेल ही लेना ना। और नंबर पार्टी नेम, अब देखो कॉमन लेजर जब हमने नो किया था वो ऑटोमेटिकली दोनों में नो हो जाता है, परचेज में भी सेल में भी। इधर से आइटम ले लेते हैं, सॉरी पार्टी नेम ले लेते हैं डेटर। अब क्योंकि पार्टी हमने लोकल बनानी है तो दैट वाज लोकल, और मैं इसका टाइप ऑफ डीलर हटा देती हूँ, प्राइस लेवल दैट इज नॉट एप्लीकेबल एंड सेव। ठीक है, तो इधर से हमने क्या लिया, डेटर जो कि हमारा लोकल था और मल्टी रेट के लिए हमारा कॉमन लेजर जो है वो ऑलरेडी नो है। आइटम्स दोनों उठा लेते हैं, एक 12% वाली सपोज 5 पीसेस, रेट हमारा 35 पे जा रहा है, यू कैन चेंज एज वेल, मैंने यहाँ से लिया 40,000। एंड अब सेल हमारी कौन सी है, 12, और इधर से भी हमने सेल ले लिया 12 और इसको इधर से कर दिया यस, सिर्फ चेक करने के लिए क्योंकि हमारी ऑलरेडी इसमें कन्फिगर्ड है, को सेंटर्स नहीं चाहिए, तो सेल्स के लेजर पे जाके कंट्रोल एंटर से इसको मैं नो कर देती हूँ, को सेंटर्स नहीं चाहिए। देन 18% वाली एक आइटम ले लेते हैं,
तो इधर से हमने 5 pieces लिया, और इसका रेट इधर से फीड किया। इस बार इसको डिफरेंट रेट पे हम सेल कर लेते हैं। एंड अब आते हैं इसके मल्टी टैक्स पे। अभी इधर से देखो ये ऑटोमेटिक उठा रहा है 18। तो स्टूडेंट अभी इसमें लेके चल रहे हैं सेल्स वाले में। इसके ऊपर अभी जीएसटी लगाना रहता है। लेट्स अप्लाई ऑन टोटल अमाउंट, दैट इज इस टोटल अमाउंट के ऊपर सीजीएसटी 6%, ओके, एंड एसजीएसटी 6%। एसजीएसटी 6% एंड सीजीएसटी 9% इसका, और एसजीएसटी 9%। तो स्टूडेंट आज हमने दो वाउचर करके देखे हैं, एक लोकल परचेज विद मल्टी रेट एंड लोकल सेल्स विद मल्टी रेट। ठीक है, तो दोनों की कैलकुलेशन हो गई है। अब ये दोनों आप करके देखेंगे टॉपिक, लोकल परचेज विद मल्टी रेट एंड लोकल सेल्स विद मल्टी रेट। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका एक लास्ट सेगमेंट करवाऊंगी, दैट इज इंटरस्टेट परचेज विद मल्टी रेट एंड इंटरस्टेट सेल विद मल्टी रेट। और इसकी प्रैक्टिस फाइल आपको